नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आज का प्रसंग। आज का प्रसंग है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की व्रत तारीख, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा और पूजा विधि। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए आज का ये प्रसंग, ये कथा सुनते हैं। ज्येष्ठ मास को लोक भाषा में जेठ भी कहा जाता है और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने की भी मान्यता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन पितरों के लिए भी दान और पूजा की परंपरा है। औरतें इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है जिसे वट पूर्णिमा व्रत कहा जाता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हरि प्रेमियों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का क्या महात्म है, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है ही, साथ में यह पूर्णिमा और भी खास बात के लिए मानी और जानी जाती है, जो यह है कि इस दिन भगवान शिव अमरनाथ की यात्रा के लिए गंगा जल को लेकर आज के दिन ही शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद खास होता है जिन लड़के और लड़कियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, तो भगवान भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन दान और व्रत करने का, तीर्थ स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बरगद के पेड़ की प्रति बहुत ही श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए पूजा की जाती है। बरगद यानी बड़ का पेड़। बरगद के पेड़ को पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि यम और सावित्री के बीच जो बातचीत हुई थी वह बरगद के पेड़ के नीचे ही हुई थी। बरगद का पेड़ देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है, जिसे त्रिवेणी भी कहते हैं। इसलिए बड़ के पेड़ की पूजा करने से ब्रह्मांड के रखवाले तीनों ही देवता खुश हो जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि यदि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा का सही तरीके से पालन किया जाए तो एक विवाहित महिला के शारीरिक और मानसिक कल्याण में बहुत सारी जीवन में खुशियां आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत विधि है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर साफ और शुद्ध वस्त्र पहने जाने चाहिए। इसके बाद दो बांस की टोकरियां ली जाती है और एक टोकरी में
सावित्री की मूर्ति स्थापित कर ली जाती है और दूसरी टोकरी में चावल, सुपारी, रोली, मौली, नारियल और पंचमेवा साथ पूजन का भी सामान रखा जाता है और किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे जाकर विधि विधान से हाथ में चावल और जल लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प किया जाता है। फिर वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ की पूजा और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसी भी मान्यता है जो महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णमासी का व्रत करती है उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन सावित्री माता ने अपने पति को यमराज से इस व्रत को करने के बाद ही वापस इस संसार में जीवन दान दिलाया था। तभी से इस व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है, वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं बड़ के पेड़ की चारों ओर मौली लपेटती है और सात बार चक्कर लगाते हुए विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पूजा के बाद श्री आरती और फिर कथा सुनाई जाती है या फिर आपस में सुनाई जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत की कथा इस प्रकार है। यह एक पौराणिक व्रत कथा है। इस कथा पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक राजा थे, उनका नाम अशुपति था। अशुपति घर में सावित्री के अंश से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई। यह देखकर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की और इसके बाद राजा ने अपनी बेटी सावित्री से कहा कि उसे योग्य वर को देने का समय आ गया है। वह उसकी आत्मा के अनुसार वर को नहीं पा रहा, इसलिए वह उसे अपनी पुत्री को यह कहकर भेज देता है कि अपनी पसंद का वर ढूंढ लो ताकि वह स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री देवी घर से महल से चल पड़ती है और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे अपने वर मान लिया। जब उसने देव ऋषि नारद जी को यह बात बताई, नारद जी को जब इस बात का पता चला तब ऋषि नारद सावित्री जी के पास आए और कहने लगे, देवी उसका पति अल्पायु है, जो तुमने पसंद किया है उसकी उम्र बहुत ही छोटी है, वह कोई और वर देख ले। पर सावित्री ने कहा, वह एक हिंदू नारी है इसलिए वह बार बार पति को नहीं चुनती, वह एक ही बार अपने पति को चुनती है। सावित्री की यह बात सभी ने स्वीकार कर ली और फिर एक दिन सावित्री और उस सत्यवान का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। सावित्री ने बड़ के पेड़ के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को अपनी गोद में लिटा लिया, रख लिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां आ गए हैं, सत्यवान के शरीर को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्हें अपने पीछे पीछे आता देखकर यमराज ने कहा कि पृथ्वी तक ही पत्नी हो, अपने पति का साथ देती है, अब उसे वापस चले जाना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर सावित्री ने कहा कि जहाँ उसके पति रहेंगे वह हमेशा अपने पति के साथ ही रहेगी, यही उसका पत्नी व्रत धर्म है। सावित्री के मुख से यह बात सुनकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा और बोले कि वह उसे तीन वर देते हैं,
वह कौन कौन से तीन वर लेना चाहती है। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, क्योंकि उसके ससुर और सास अंधे थे। ससुर का खोया हुआ राज्य वापस लाना और फिर अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा कर रख दिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था और वो भी सत्यवान के ही पुत्र मांगे, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। सावित्री उसी बड़ के पेड़ के पास वापस आ गई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से आत्मा का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को उसने जीवित करवा लिया, बल्कि अपने अंधे सास ससुर को नेत्र ज्योति भी प्रदान कर ली और अपने ससुर का खोया हुआ राज्य फिर से हासिल कर लिया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से रखने में दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से छुड़वा लिया, इतना ही नहीं खोया हुआ अपना राज्य और अपने अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस ले ली। कथा की समाप्ति के बाद के उपरांत अपने पति को रोली अक्षत लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है और बड़ के पेड़ का पूजन अर्चन करके ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। भगवान उनके सुहाग की रक्षा करते हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा वट सावित्री की या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।